मॉर्निंग गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक एसएससी एग्जाम में। और कैसे हैं गाइस आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया से होगा, सब बढ़िया चल रहा होगा, बढ़िया से तैयारी कर रहे होंगे आप लोग। और आज मैं फिर करंट अफेयर का सेशन आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। और उम्मीद करता हूँ पिछले सेशन आप लोगों ने देख लिए होंगे, कहीं ना कहीं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं गाइस। आपको पता है डेली बेसिस पे बहुत सारी करंट अफेयर निकलती हैं, लेकिन सब कुछ नहीं पढ़ना हम लोगों को हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग पढ़ना है ना। तो सबसे पहले आपको बता दें गाइस कि 20,000 स्पेशल लाइव क्लासेस का प्रावधान आप लोगों के लिए किया गया है। दैट वुड बी फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर यू गाइस। आप लोग आराम से स्पेशल क्लास देख सकते हैं, है ना। ये हमारी टीम है गाइस, प्रिंकी सरो मैम जो करंट अफेयर और इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ाती हैं, इसी तरीके से नेहा मलिक मैम है ये इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ाती हैं, और नीतू ढाका मैम है ये जीएस सब्जेक्ट पढ़ाती हैं। इसी तरीके से हमारी कंप्लीट टीम है, और भी टीम के मेंबर्स हैं, सबके बारे में इंट्रोडक्शन नहीं दे पाऊंगा गाइस। बट आप ये जान लें कि आप अपने फेवरेट एजुकेटर से पढ़ सकते हैं इस प्लेटफॉर्म पर, और इंडिया का नंबर वन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, आप लोग जानते हैं इस चीज़ को। सुनील सर जो मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं, पवन राव जो मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं, वासिफ अंसारी सर हैं ये जीएस पढ़ाते हैं, और इसी तरीके से मैं नवीन शर्मा आप लोगों को जीएस के साथ में करंट अफेयर सेगमेंट आप लोगों के कवर कराऊंगा। अब जीएस में आप लोग सारे सेगमेंट जानते हैं गाइस, कि चाहे इंडियन हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, इंडियन पॉलिटी है ना, जनरल साइंस, इकोनॉमी, मिसलेनियस, या उसके साथ में करंट अफेयर का सेगमेंट जो भी बनता है उसको हम लोग समझेंगे इसके अंदर बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। आप लोग मुझे नवीन शर्मा नाम से फॉलो कर सकते हैं अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे, तो मैं जो भी सेशन लूंगा उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहेगा, ठीक है। अब मोहित सर की बात करें तो ये रीजनिंग सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, इसी तरीके से अभिषेक सरोहा सर हैं ये भी जीएस सब्जेक्ट पढ़ाते हैं गाइस। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मेरे बारे में, फिर सेशन स्टार्ट करते हैं। माय नेम इज़ नवीन शर्मा एंड आई हैव कंप्लीटेड माय मास्टर डिग्री फ्रॉम इग्नू गाइस। मैंने बीकॉम किया हुआ है दिल्ली यूनिवर्सिटी से, एंड एज ऑफ नाउ आई हैव मोर देन 6 ईयर एक्सपीरियंस, जिसमें मैंने बहुत सारे बच्चों को ट्रेन किया है और बहुत अच्छे रिजल्ट आए हैं गाइस, चाहे वो एसएससी के एग्ज़ाम हो, या वो रेलवे के एग्ज़ाम हो, या वो पुलिस के एग्ज़ाम हो, है ना। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट यही रहेगी कि सेशन को पूरा फॉलो करें, और एक भी प्रश्न आपको ऐसा नहीं मिलने वाला है एग्ज़ाम में कि वो आपने ना पढ़ा हो, है ना। मैं जो हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से करंट अफेयर रहेगी उसी के ऊपर चर्चा करते हैं डेली बेसिस पे, चाहे वो एमसीक्यूज के रूप में हो, चाहे वो ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव के रूप में हो, ठीक है ना। थोड़ा सा टाइम टेबल आप लोग नोट कर लें, एक तो 5 बजे जो मैं आप लोगों के लिए करंट अफेयर सेशन लेता हूँ ये, और एक 9:30 पे मैं आप लोगों के लिए लाइव सेशन लेता हूँ यूट्यूब पे, लेट्स क्रैक एसएससी एग्जाम यूट्यूब चैनल है। उसके बाद में दोपहर में 1 बजे या 3 बजे मैं आप लोगों के लिए प्लस की क्लास या स्पेशल क्लास लेता हूँ। तो आप लोग मुझे फॉलो कर लेंगे नवीन शर्मा नाम से, तो जो भी सेशन मैं असाइन करूँगा उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहेगा, ठीक है। और ये वेबसाइट है गाइस अनअकैडमी की, जिसमें आप लोग विजिट कर सकते हैं, क्रैक एसएससी एग्जाम्स विद इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म, बिल्कुल ठीक है गाइस। गेट सब्सक्रिप्शन, आप लोग सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। बेनिफिट ये रहेगा गाइस कि आपको कंप्लीट कोर्स, कंप्लीट सिलेबस, डेली लाइव क्लासेस हैं, और डेली डाउट सेशन है, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। आप लोग घर बैठ के आराम से पढ़ाई करें, हालांकि लॉकडाउन चल रहा है, बढ़ा भी दिया गया है, लेकिन अपनी पढ़ाई को लॉकडाउन नहीं होने दीजिएगा। बहुत बच्चे मुझसे पूछ रहे थे कि सर मैं क्या करूँ, मैं तो परेशान हो गया हूँ लॉकडाउन में, घर से बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ। गाइस बहुत अच्छा मौका है, आप लोग अब तक बहुत लोगों से मिलते हुए आए हैं, अब समय यह है कि आप लोग अपने आप से मिलें, है ना, अपने आप से मिलें, पढ़ाई को उस लेवल तक ले जाएं जो आपने कभी सोचा नहीं था। फर्स्ट अटैम्प्ट में नंबर बनेगा, ट्रस्ट मी, फर्स्ट अटैम्प्ट में नंबर ले जाइएगा आप लोग, है ना। सब्सक्रिप्शन कैसे लेंगे थोड़ा उसके ऊपर देख लेते हैं, फिर सेशन स्टार्ट करते हैं गाइस। आप लोग अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं अपने फ़ोन में, है ना। एसएससी एग्ज़ाम गोल अपना सेलेक्ट कर लीजिएगा, गेट सब्सक्रिप्शन, तो अपकमिंग कोर्सेज, अपकमिंग क्लासेस के बारे में सारी जानकारी आप लोगों को मिलती रहेगी। ये गाइस सब्सक्रिप्शन प्राइस है, जिसमें आप देख पा रहे होंगे 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ का। तो आई वुड सजेस्ट यू बीइंग ए फैकल्टी कि आप लोग 12 मंथ और 24 मंथ का लें, बिकॉज कंपटीशन एग्जाम विल टेक टाइम, है ना। ये जो प्रिपरेशन है ये थोड़ा बहुत समय लेगा आपका, तो ये 12 मंथ का अगर आप लेते हैं तो 5400 रुपीज़ रहेगा, दैट वुड बी नियर अबाउट 450 पर मंथ, और 24 मंथ का रहेगा 6480 रुपीज़, तो ये आपका 270 रुपीज़ पर मंथ हो जाता है ना। ये आपको तभी मिलेगा गाइस जब आप लोग मेरा ये कोड यूज़ कीजिएगा लाइव एन के, इसमें आप लोगों को 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा, और ये डिस्काउंटेड प्राइस ही है गाइस, ये कोड यूज़ करना नहीं भूलेंगे आप लोग, ठीक है, लाइव एन के। चलिए बात करते हैं सबसे पहले पॉइंट के ऊपर कि सहयोग ऐप, सहयोग ऐप देखिए जरा इसके बारे में कि भारतीय सर्वेक्षण विभाग जो सर्वे ऑफ इंडिया है, SOI जिसको बोल रहे हैं, इसने सरकारी एजेंसियों और स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों को COVID-19 के प्रकोप के दौरान महत्वपूर्ण निर्णय लेने में मदद करने के लिए जो इम्पोर्टेंट जो आंकड़े होते हैं उनकी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए एक प्लेटफॉर्म तैयार किया है, सहयोग ऐप,
है ना, आप लोगों ने सुना होगा आरोग्य सेतु, वो एप्लीकेशन है, ये भी एक एप्लीकेशन है, सहयोग ऐप। तो ये किसने तैयार किया है, पहला पॉइंट तो ये ध्यान रखेंगे गाइस कि भारतीय सर्वेक्षण विभाग, है ना, पहला पॉइंट। आपको बता दें COVID-19 जो महामारी बीमारी हो रखी है, चल रही है अभी, इससे संबंधित मैं एक सेपरेट क्लास लूंगा आप लोगों के लिए, जिसमें उस इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर ही बात करेंगे जो एग्जाम में देखने को बन सकते हैं। केवल बात कर रहा हूँ COVID-19 की, है ना, तो उसको देखेंगे। थोड़ा टाइम मुझे और दीजिए, मैं उसके लिए एक सेशन आप लोगों ने तैयार करूंगा, कुछ समय बाद मैं वो आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। तो आप लोग उसको एक बार उसको जरूर रिकैप लगाएंगे, ताकि अगर वहां से कोई प्रश्न बना तो आप लोग उसका आंसर कर पाए। ठीक है, तो बेसिकली है क्या कि इस प्लेटफॉर्म पर बायोमेडिकल वेस्ट डिस्पोजल, COVID-19 समर्पित अस्पतालों, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR की परीक्षण प्रयोगशालाओं और क्वारंटाइन शिविरों के संबंध में जानकारी एकत्रित की जाएगी, और इस प्लेटफॉर्म का समर्थन के लिए सहयोग ऐप नामक मोबाइल एप्लीकेशन भी बनाई गई है ना। तो वही चीज़ है, बाकी अभी कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों को बताया था आरोग्य सेतु भी एक एप्लीकेशन बनाई है जो इससे रिलेटेड है, सहयोग ऐप का भी संबंध COVID-19 से ही है। ठीक है, इसके बारे में हमने बात करी ही थी लास्ट सेशन में, लास्ट टू लास्ट सेशन में आप देख पाएंगे। अगला देखिए गाइज, पूल परीक्षण। अब गाइज ये इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है, इसको करने वाला पहला राज्य बन गया है यूपी, है ना, इसके बारे में हम लोगों ने बात करी थी, अगर आप लोगों को ध्यान है। पूल परीक्षण तो हाल ही में हुआ क्या है कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR, बहुत चर्चा में चल रहा है गाइस ये, ICMR ने उत्तर प्रदेश को COVID-19 का पूल परीक्षण या पूल टेस्टिंग शुरू करने की अनुमति दी है, और उत्तर प्रदेश पूल परीक्षण करने वाला पहला राज्य बन गया है। ठीक है, पहला राज्य कौन बनाए गाइस, यूपी, बिल्कुल पूछने को बन सकता है, पहला पॉइंट तो यही ध्यान रखेंगे। किसने अनुमति दी है, ICMR ने, दूसरा पॉइंट। ठीक है, पूल परीक्षण शुरू करने का मुख्य उद्देश्य क्या है कि राज्य में परीक्षण की संख्या को बढ़ाना, यानी जितने टेस्टिंग वगैरह करनी है। अब देखिए समाधान तो यही है गाइस कि लॉकडाउन में अब यार ऐसा तो नहीं कर सकते हैं कि इट्स अ काइंड ऑफ कि एक, जैसे कि राहुल गांधी ने भी बोला कि एक पॉज बटन की तरह हम लोग इसको यूज़ कर रहे हैं, तो इस बात से तो मैं एग्री करता हूँ कि कहना कि हमें टेस्टिंग और अच्छे लेवल पर जल्द से जल्द हमें करनी होगी, है ना। पूल परीक्षण शुरू करने का मुख्य उद्देश्य जान ही रहे हो कि टेस्टिंग की जो नंबर ऑफ टेस्टिंग है उसको बढ़ाना है, और यह विधि राज्य की परीक्षण प्रक्रिया को में तेजी लाएगी, और इस विधि में नए कई नमूनों को एक साथ रखा जाएगा और उनका परीक्षण किया जाएगा बेसिकली। ठीक है, यदि नमूनों का संक्रमण परिमाण नेगेटिव आता है, नकारात्मक आता है, तो इसका अर्थ यह होगा कि समूह के सभी नमूने नकारात्मक हैं, एक ग्रुप में डाल दिया जाएगा। बहुत ही अच्छा प्लान है गाइस। हालांकि यदि संग्रह के नमूने में से किसी एक का नमूना पॉजिटिव आ गया, सकारात्मक आ जाता है अगर, तो इस समूह के सभी नमूनों का परीक्षण व्यक्तिगत रूप से किया जाएगा। अगर किसी भी एक का नेगेटिव आया तो पूरा नेगेटिव माना जाएगा, लेकिन अगर एक भी पॉजिटिव आ गया, ग्रुप में भी कोई पॉजिटिव आ गया, तो सबका इंडिविजुअल टेस्ट किया जाएगा, है ना। और भारत में जो परीक्षण किटों के साथ साथ बुनियादी ढांचे जैसे जो विषयों पर संघर्ष कर रहा है, उसके लिए संसाधनों को अनुकूलतम उपयोग करते हुए परीक्षण करना भी काफ़ी लाभदायक साबित होगा। तो यहाँ पे दो पॉइंट आप लोग ध्यान रखेंगे, किसने अनुमति दी है, ICMR ने, और पूर्ण परीक्षण करने वाला पहला राज्य यूपी। ठीक है, अगला देखते हैं, देखो अपना देश वेबिनार श्रृंखला, वेबिनार सीरीज। तो पर्यटन मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने अतुल्य भारत की संस्कृति और विरासत की गहरी और विस्तृत जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से हाल ही में देखो अपना देश नामक एक वेबिनार श्रृंखला की शुरुआत की है, और श्रृंखला के इस पहले वेबिनार में दिल्ली के लंबे इतिहास को दर्शाया गया है ना। इस वेबिनार का शीर्षक सिटी ऑफ सिटीज दिल्ली पर्सनल डायरी, बहुत इंपॉर्टेंट, देखो अपना देश, इसका जो थीम है, जो सब्जेक्ट है, जो विषय है, क्या है, सिटी ऑफ सिटीज दिल्ली पर्सनल डायरी। ठीक है, और कहां पे हुआ है, दिल्ली में। पर्यटन मंत्रालय के अनुसार COVID-19 के कारण घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन तथा आवागमन काफ़ी अधिक प्रभावित हुआ है, किंतु प्रौद्योगिकी के कारण, टेक्नोलॉजी के कारण स्थानों गंतव्यों तक आभासी रूप से पहुंचना और बाद के दिनों के लिए अपनी यात्रा की योजना बनाना संभव है, और इस सिद्धांत के आधार पर इस वेबिनार की श्रृंखला की शुरुआत की गई है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं चाहता हूँ गाइस कि आप दो ही पॉइंट ध्यान रखेंगे, देखो अपना देश वेबिनार कहाँ शुरू किया गया है, दिल्ली में, दिल्ली में इसको दर्शाया गया है ना, दिल्ली के लंबे इतिहास को दर्शाया गया है बेसिकली, और इसका ये थीम सिटीज ऑफ सिटीज दिल्ली पर्सनल डायरी। ठीक है, अगला देखते हैं, हिमाचल दिवस सेलिब्रेट हुआ गाइस कि
प्रत्येक वर्ष 15 अप्रैल को हिमाचल दिवस आयोजित किया जाता है और 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश मुख्य आयुक्त के प्रांत के रूप में अस्तित्व में आया था, है ना। उसके बाद भारतीय संविधान लागू होने के 26 जनवरी 1950 जब संविधान लागू हो रहा है तो हिमाचल प्रदेश ग श्रेणी का राज्य बना था। पहले क्या होता था, ए बी सी डी, आ बा सा का खा गा, इस तरीके से राज्यों को बांटा गया था। तो ग श्रेणी का राज्य बना कौन, हिमाचल प्रदेश। 1 जुलाई 1954 को बिलासपुर हिमाचल प्रदेश में शामिल हुआ। ये सारे पॉइंट नोट करेंगे, चर्चा में चल रहे हैं, कोई भी पॉइंट देखने को बन सकता है, है ना। तो 1 जुलाई 1954 को बिलासपुर हिमाचल प्रदेश में शामिल हुआ। इसके बाद 1 जुलाई 1956 को हिमाचल प्रदेश को केंद्र शासित बनाया गया। 1966 में कांगड़ा और पंजाब के अन्य पहाड़ी इलाकों को हिमाचल प्रदेश में मिला दिया। हालांकि इतना डेप्थ में जाने की आवश्यकता नहीं है, मोटा मोटा पॉइंट तो यही ध्यान रखोगे कि 15 अप्रैल को हिमाचल प्रदेश दिवस मनाया जाता है, ठीक है ना। और राज्य का कुल क्षेत्रफल लगभग, एक पॉइंट ये ध्यान रखिएगा इसके अंदर, राज्य का कुल क्षेत्रफल लगभग 55,673 वर्ग किलोमीटर है। दूसरा पॉइंट मैं पॉइंट निकाल दे रहा हूँ, ये पॉइंट ध्यान रखेंगे आप लोग। उसके बाद एक पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखेंगे, भारतीय गणराज्य का 18वां राज्य बना था हिमाचल प्रदेश, ठीक है जी। और 25 जनवरी 1971 को एक नया राज्य अस्तित्व में आया था हिमाचल प्रदेश के रूप में, ठीक है। तो इसमें ध्यान रखेंगे तीन पॉइंट, कौन से नंबर का राज्य बना था गाइस, ये 18वें नंबर का। कब मनाया जाता है हिमाचल दिवस, 15 अप्रैल। और दूसरा पॉइंट, कितना इसका एरिया है। अगला देखते हैं, अजय महाजन। अब ये अजय महाजन क्या है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी केयर रेटिंग्स ने अजय महाजन को आगामी 5 वर्षों के लिए कंपनी का नया निदेशक, नया प्रबंध निदेशक, जिसे MD बोल रहे हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर बोल रहे हैं, और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है, है ना। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी कौन सी है, केयर रेटिंग्स, इनका अजय महाजन जी को बनाया गया है CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ठीक है। केयर रेटिंग के निदेशक मंडल ने अपनी बैठक में बोर्ड द्वारा गठित नामांकन और पारिश्रमिक समिति की सिफारिश के आधार पर इनकी नियुक्ति की है। और अजय महाजन ने वर्ष 1990 में बैंक ऑफ अमेरिका के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी, है ना। बैंक ऑफ अमेरिका के साथ इन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया था और आज ये केयर रेटिंग एजेंसी के CEO और MD बनाए गए हैं, ठीक है। उसके बाद इनकी डिटेल ज़्यादा में जानने की आवश्यकता नहीं है, बाकी आप ध्यान रखेंगे कि ये कंपनी जो है क्रेडिट रेटिंग के माध्यम से बड़े निगमों और उनकी विभिन्न आवश्यकताओं के लिए पूंजी जुटाने में मदद करती है और निवेशकों को क्रेडिट जोखिम के आधार पर निवेश संबंधी निर्णय लेने में सहायता करती है। अच्छा, मुझसे कोई बच्चे पूछ रहे थे कि सर वो क्रेडिट कार्ड वगैरह यूज़ कर रहे हैं तो अब इस लॉकडाउन में क्रेडिट कार्ड का बिल वगैरह ऐड होकर आएगा नहीं आएगा, तो गाइस क्रेडिट कार्ड पर छूट नहीं है यार, क्रेडिट कार्ड का बिल इंटरेस्ट लग के आएगा, है ना। तो कहीं आप लोग इस विचार में रहें कि यार बिल नहीं भरेंगे तो भर देंगे आराम से, नहीं आएगा, तो इंटरेस्ट तो लग के आएगा, उसके लिए तैयार रहिएगा, ठीक है। अगला देखिए, रघुराम राजन। गाइस आपको बताया कि हमारे भारत के पूर्व RBI गवर्नर रह चुके हैं रघुराम राजन। तो अब हुआ क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, जिसको IMF बोल रहे हैं, कि प्रबंध निदेशक MD क्रिस्टलिना जॉर्जीवा ने भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन को, उनके समेत 11 अन्य लोगों को IMF के बाह्य परामर्श समूह एक्सटर्नल एडवाइजरी ग्रुप के सदस्य के रूप में नामित किया है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाएगा गाइस, RBI के पहले गवर्नर रह चुके हैं रघुराम राजन, IMF के सदस्य नामित कर दिए गए हैं और IMF इंडियन मॉनिटरी फंड की जो MD हैं क्रिस्टलिना जॉर्जीवा, अभी कॉन्स्टेबल एग्जाम में पूछा गया था IMF की MD IMF के अध्यक्ष कौन है, इनके बारे में पूछा जा चुका है, तो ध्यान रखेंगे क्रिस्टलिना जॉर्जीवा, ठीक है। और RBI के वर्तमान में गवर्नर कौन है गाइस, RBI के वर्तमान में गवर्नर कौन है, गवर्नर ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा, वर्तमान में कौन है, ये तो मैंने बता दिया, इससे पहले थे जो भी वर्तमान में है, इनसे पहले ये थे रघुराम राजन, है ना, कमेंट करके बताइएगा, देखते हैं। अगला देखिए, भारत में कोरोना वायरस का नया प्रकार। देखिए गाइस, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR ने भारत के 4 राज्यों में चमगादड़ों के नमूनों में बैट कोरोना वायरस होने की पुष्टि की है। तो इतना तो तय हो गया कि यार ये चमगादड़ से ही फैला है। वैज्ञानिकों के अनुसार भारत में पाए गए
कोरोना वायरस के नए प्रकार की लगभग 95% विशेषताएं चीन के वुहान शहर में उत्पन्न वायरस से मिलती हैं। तो इतना तो श्योर है कि यार ये चमगादड़ की वजह से ही ये फैला है ना, और ये बनाया गया है नहीं बनाया गया है अभी तो इसके बारे में कुछ कमेंट नहीं किया जा सकता, बट ये पिक्चर आगे सामने क्लियर जरूर आएगी कि ये बना वाकई बनाया गया है, मानव जैविक बम बनाया गया है, ये फैल गया है। इंडियन जर्नल ऑफ मेडिकल रिसर्च में प्रकाशित इस अध्ययन का उद्देश्य यह जानना है कि कोरोना वायरस की प्रजाति के कौन से प्रकार चमगादड़ या अन्य जीवों में मौजूद हो सकते हैं। इस अध्ययन में वैज्ञानिकों ने भारत के 10 राज्यों में मौजूदा चमगादड़ की 2 प्रजातियों के नमूने एकत्रित किए थे और इनमें हैं पिट्रोपस, नाम ध्यान रखेंगे इनका, पिट्रोपस एवं रोसेटस प्रजाति के चमगादड़ के नमूने लिए गए थे। और बेसिकली हुआ क्या है कि ICMR के वैज्ञानिकों ने भारत के 4 राज्यों केंद्रशासित प्रदेशों में चमगादड़ों में बैट कोरोना वायरस की पुष्टि की है, जिसमें केरल, हिमाचल प्रदेश, ये ध्यान रखिएगा लोकेशन, ये हल्का सा रफली मैप बना दे रहा हूँ मैं यहाँ पे, इन्होंने क्या बोला है, केरल, केरल आपका नीचे हो गया केरला, उसके बाद हिमाचल प्रदेश HP, नीचे कॉर्नर में तमिलनाडु है ना, और इसके ठीक ऊपर पौंडीचेरी, ये 4 राज्य यहाँ पे शामिल है। तो ICMR के अनुसार इस तथ्य का कोई साक्ष्य भी बेसिकली उपलब्ध नहीं है कि ये चमगादड़ में पाया जाने वाला वायरस है जो इंसानों को संक्रमित कर सकता है या नहीं कर सकता है। बस ध्यान रखेंगे भारत में कोरोना वायरस का नया टाइप मिला है, 4 लोकेशन जहाँ पे देखने को मिला है, ठीक है। चलिए अगला देखिए, कोवसेक। अब कोवसेक गाइस बेसिकली हुआ क्या है कि हैदराबाद स्थित रक्षा अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशाला, जिसे DRDL बोलते हैं, जिसे DRDO है, ऐसे DRDL हैदराबाद में, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी, परीक्षण के लिए नमूना संग्रहण हेतु कोवसेक नाम से एक कियोस्क विकसित किया गया है। अभी बेसिकली है क्या कि DRDL ने कोवसेक को कर्मचारी राज्य बीमा निगम हैदराबाद के डॉक्टरों के परामर्श से ये विकसित किया है। कोवसेक क्या करेगा, संदिग्ध संक्रमित रोगियों से COVID-19 नमूने प्राप्त के लिए स्वास्थ्य कर्मियों के उपयोग हेतु काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। और जब एक संदिग्ध संक्रमित व्यक्ति कियोस्क केबिन के अंदर आएगा तो केबिन के बाहर से एक स्वास्थ्य पेशेवर दस्ताने के माध्यम से वो बाहर ही उसके नमूनों को लिया जा सकेगा, ठीक है। तो होगा क्या कि रोगी के केबिन से बाहर निकलने के बाद ही लगभग 70 सेकेंड तक वो स्प्रे चलेगा कोवसेक, है ना। तो इसके अलावा केबिन को पानी और जो अल्ट्रावायलेट लाइट्स है उससे स्वच्छ किया जाएगा, साफ किया जाएगा, और कोवसेक की लागत लगभग 1 लाख रुपए के आसपास इसमें बताई जा रही है। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे हैदराबाद स्थित इसके द्वारा ये विकसित किया जा रहा है, रक्षा अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशाला, ठीक है। चलिए ठीक है गाइज, आज के लिए इसमें इतना रहने देते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम गाइज, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, लेट्स क्रैक SSC एग्जाम, और वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ठीक है। और सब्सक्रिप्शन लेते समय मेरा ये कोड यूज़ करना नहीं भूलिएगा, LiveNK, जिसमें आप लोगों को 10% डिस्काउंट मिल जाएगा, साथ में बेल आइकन भी ओके कर लेना, तो जो भी वीडियो वगैरह मैं लूँगा उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहेगा। साथ में टेलीग्राम का ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिएगा, तो जितनी लेटेस्ट अपडेट्स हैं, अपकमिंग वीडियोज़ हैं, सबकी जानकारी आप लोगों को मिलती रहेंगी, ठीक है। और कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा, मोस्ट वेलकम, आई विल रिप्लाई यू अकॉर्डिंगली गाइज, ठीक है। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।